नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास मौसम का मिजाज बिगड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां बता दें कि सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए थे और कोहरा छाया हुआ था। इसके साथ ही बारिश की बौछार पड़ने लगी। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी साबित हुई। चारों ओर कोहरा लगने से आमने सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सुबह से ही ऐसा लग रहा था जैसे कि रात हो गई है। मौसम का मिजाज बिगड़ने से ठंड में भी काफी इजाफा होने लगा है। रात भर से हो रही तेज बारिश के कारण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पौड़ी रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाबो बाजार से आगे और पुल से पीछे सड़क पर बोल्डर गिर गया। सड़क पर बड़ा बोल्डर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरा की रहने वाली एक युवती ने अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इसके बाद इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और आनन-फानन में युवती को रुद्रपुर सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय बुलाकर उसकी आपबीती सुनी। इसके साथ ही महिला के साथ 2 जुलाई को ही मारपीट के मामले में दर्ज मुकदमे में ही महिला के द्वारा बताई गई आपबीती के आधार पर जांच अधिकारी को धाराएं बढ़ाने के निर्देश दिए। आगरा के थाना सिकंदरा अंतर्गत आवास विकास सेक्टर 10 में सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है। कमरे में पति पत्नी और बेटी के शव फंदे से लटके मिले। 8 साल के बेटे ने सुबह लोगों को घटना की जानकारी दी। बाइक लगाएं। सिकंदरा में घटना हुई, फांसी लगाई है, तीन लोगों के शव मिले हैं। क्या इसमें एग्जैक्ट जानकारी है? थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, तीन लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फॉरेंसिक टीम भी आई और यहां से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूंकि जो मृतक है उसकी पत्नी उसकी बेटी है, मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के सेकंड फ्लोर पे रहता था। अच्छा, कैसे पता लगा? क्या ये पहले कोई जिक्र हो रहा था, बातचीत हुई थी पहले? नहीं, फिर मुझे ऐसा लग रहा था बस। अच्छा, फिर आपने क्या करा? मैंने बुआ को बता दी। अच्छा, बेटा ये घटना हुई थी तब आप कहाँ थे? नाइट में आप ही के साथ यहीं थे? घर में ही थे आप? आपको पता नहीं चला? आपको भी बुलाया था उन्होंने? नहीं। आप नीचे सो रहे थे? नहीं। क्या बताया बाहर आके? क्या बताया? मैंने जब मुझे महसूस हुआ था तब बताया मैंने। अखिलेश यादव द्वारा नुपुर शर्मा पर की गई टिप्पणी को लेकर जिसके द्वारा ट्वीट किया गया था, संभल सांसद अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। महिला आयोग द्वारा अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के सवाल पर सांसद ने कहा कि नुपुर के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार, अखिलेश ने गलत क्या कहा है? सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव ने गलत क्या कह दिया, उन्होंने सही बात कही है, आखिर उनकी गलती क्या है? नुपुर शर्मा के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी से निष्कासन हुआ है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी से मुसलमान को कितनी तकलीफ हुई है, दुनिया भर में हमारी बदनामी हुई है। तो वहीं नुपुर की वजह से उदयपुर की घटना हुई। ट्वीट में यदि अखिलेश यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी, और क्या कुछ कहा सांसद ने सुनिए। आज तक नुपुर शर्मा ने के खिलाफ तो कोई कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई, समझ गए ना? आज तक गवर्नमेंट बोली ना, मोदी बोले ना अमित शाह बोले, कोई नहीं बोल लिया, समझ गए ना? कि इतना बड़ा हंगामा हो गया कि सारा हिंदुस्तान का के अंदर हालात बिगाड़ने के अकेली नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं, जो जो उदयपुर में भी हालात बिगड़े और जगह भी ख़राब हुए। जी हाँ, तो उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अगर अखिलेश यादव कोई ट्वीट कर देते हैं इस सिलसिले में सच्चाई का, तो उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए तो कहा था, ये क्या नई बात कह दी, क्या जुर्म कर दिया उसमें? ये जो कुछ कहा अखिलेश ने सही कहा है। बहरहाल ये अखिलेश की, इसमें अखिलेश को मुलजिम बनाना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है। इटावा में शादी समारोह में शामिल होने जा रही कि परिवार के बाइक सवार लोगों को तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मार दी। हादसे में ओवर ब्रिज से नीचे गिर गई महिला की मौत हो गई, एक घायल हो गई। घटना को अंजाम देने वाले लोडर को पुलिस ने कब्जे में लिया है। लोडर चालक मौके से फरार है। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत गुरु तेग बहादुर पुल की घटना। मैदानी पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की वजह से बिजनौर से सटे कई गांवों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीणों की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। कई गांवों में गंगा तेजी से कटान कर रही है जिसकी वजह से ग्रामीणों की गंगा किनारे फंसे गंगा में बहने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने गंगा किनारे अस्थायी स्लॉट्स भी लगाए लेकिन पानी के सामने वो भी बहने की कगार पर है।
संभल बदमाशों के हौसले बुलंद है। मकान के घेंस सो रही किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीकांड से लाकर दहशत है। किशोरी की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार ग्राम प्रधान पर हत्या का आरोप है। सुबह 3 बजे की घटना बताई जा रही है। रजपुरा थाना क्षेत्र के गाँव रानीगंज का पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी की पत्नी का हुआ निधन। काफी लंबे समय से जिलाध्यक्ष की पत्नी बीमार चल रही थी। जिलाध्यक्ष की पत्नी की निधन की खबर मिलते ही जनपद फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। संभल जिले में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा हो रही है। प्रवेश परीक्षा पर डीएम एसपी की कड़ी नजर है। संभल जिले में कुल 3,250 परीक्षार्थी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मजदूर एसपी अभिषेक यादव ने थाना हाईवे में जायजा लिया। थाना हाईवे में पहुंचते ही एचएम को फटकार लगाई। लावारिस गाड़ियों पर नंबर न मिलने पर फटकार लगाई गई है। एसएसपी मथुरा सभी थानों को चेक कर रहे हैं। यदि कुछ कमियां मिलती हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाने की बात कह रहे हैं। मथुरा थाना हाईवे का जायजा लिया है। एसएसपी को देखते ही थाना हाईवे में शिकायतकर्ताओं की लाइन लग गई। शिकायत देखते ही संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। फिरोजाबाद में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई है। बुधवार को जिले में 15 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा में शामिल होने के लिए 13,500 अभ्यर्थी शामिल हैं। सुबह 7 बजे से एग्जाम देने वालों की भीड़ लगना शुरू हो गया। सुबह 8 बजे से परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि 2 पालियों में परीक्षा हुई है। सुबह 9 से 12 बजे तक और 2 बजे से शाम 5 बजे तक की परीक्षा होनी है। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में नाली में एक युवा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आसपास के राहगीर मौके से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक शव नाले में तैर रहा है। किसी व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में पड़े शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस प्रशासन भी अब हाईटेक स्कूटर से गश्त करेगी। अब चोर बच नहीं पाएंगे। यह बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में मॉल रोड और अन्य स्थानों पर पुलिस अब अमेरिकन आया सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर सिग्वे से गश्त करेगी। उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट के वार्ड नंबर 7 में देर रात हुई बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिलाधिकारी श्री अभिषेक रोहिला ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम बड़कोट अधिशासी अभियंता नगर पालिका को जल निकासी के साथ सुरक्षात्मक उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।